Hola, ladies and gentlemen, boys and girls, look at the driver front end. और अब हम करेंगे थोड़ा सा डेजर्ट सफारी। नखरा असा, माजा कसा, मोहनी। आडू वैसे अब तो हमने हर तरह। Just woke up जा रहे हैं सुबह सुबह ये ढूंढने के लिए। How's your night? सारी रात यही सोचते रहे कि किधर से आई गाड़ी ना हमें उठने के बाद फील हुआ। मैंने कहा यार ये ना हम पे चला रहा कोई, मगर रात तक कोई वो नहीं थी टेंशन। मोटरसाइकिल इसीलिए ऐसे कटेगी भाई, मेहनत कर रहे थे ना, मेहनत का श्लोक है। मेहनत तो एक कर रहा होगा, मेहनत का श्लोक है, देख नहीं रहे हो गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो बेबी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि रात भर हम यहाँ पानी को तरस रहे थे और यहाँ हर बाइक के ऊपर ओस पे ओस गिरी हुई है। तो सामने से सनराइज हो रहा है, ये ट्रैक है और खूबसूरत सा डेजर्ट है। जल्दी से जाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर मिलते हैं। जब भी कभी कहीं हम कैंपिंग करते हैं सुबह सुबह उठ के, सिर्फ हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे जाके हम बुरिश कर सकें। आज हम खरीदे हुए पानी से बुरिश करेंगे। असली प्योर वाटर तलाश में निकले थे, पानी की पानी मिल गया, इसमें देखते हैं पानी है तो बुरिश करते हैं जल्दी से, वो जो पानी लिया है उसको बचाते हैं। सेव वाटर सेव लाइफ। मीडा वन न्यू बंधु, कैसा रहा बॉय कल रात का सीन, मतलब कैसी एंजॉयमेंट रही तुम्हारी चोलिस्तान में, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो अपना। सही था, अच्छा था, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और देखिए मैं रैली सारी देखी थी, बाइक उसकी कार देखी थी और सुनने में क्या बाइक से भी है जो कि अच्छा है, थ्रिल है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलामुअलैकुम फहीम भाई, कैसे हैं आप? सर गुड मॉर्निंग फहीम भाई। ये फहीम भाई है, ये इनका मेस कैंप है, ये इनका स्लीपिंग कैंप है और ये इनका सब कुछ है। बाइकर्स की बेसिकली बाइकर्स का पवेलियन है। सारी रैलियों में पाकिस्तान की जितनी रैलियां हैं, चोलिस्तान की, जलमक्सी की और थल की और सरफरंगा की, वहाँ तक भी इंशाल्लाह खुजार में भी आपके मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, अभी मेरा प्लान यहाँ पे ज्यादा रुकने का नहीं, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा, जिसके साथ मुझे मेरे कैमरों का मसला कि कैमरे खराब ना हो जाए। तो हम निकल रहे हैं, कैंप को क्लोज करेंगे और यहाँ से निकल रहे हैं। मेरा प्लान है हम लोग DIG खान चले जाए, फिर वहाँ से बलोचिस्तान के कोई दो शहर कर रहे हैं। मैं पहली दफा बलोचिस्तान जाऊंगा, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छे सीनियर राइडर हैं हमारे, इनके पास यूनिक कैंपिंग में बहुत यूनिक यूनिक चीजें हैं और ये इन्होंने सब कुछ बाइक पे कैरी किया हुआ। यार ये बस रूटीन की चीजें हैं जो यूज की हैं। एक तो आपके सामने ये कैंप है जो डबल लेयर है, अच्छा, और इसके अलावा मेरे पास स्लीपिंग मैट्रेस जो कि मतलब कुछ लोग बड़े कॉम्पैक्ट से यूज़ करते हैं, मैं थोड़ा सा बड़े साइज का यूज़ करता हूँ, जैसे ये इस वजह से कि कंफर्टेबल है। दिखाएं अपना स्लीपिंग मैट्रेस। ये बेसिकली जो तबलीगी जमात वाले हैं ना, ये वो लोग यूज़ करते हैं। क्या कॉस्ट पड़ती है इसकी अगर कोई परचेज करना चाहे? ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, मुझे नहीं पता। अंदाजे से 1500। ऑल राइट जी, अभी का सीन ऐसा है कि किलोमीटर चेक इस 505, हम जा रहे हैं दिलावर फोर्ट, बाकी सब रेडी हो रहे थे तो मैंने फौरन से मौका उठाया, क्योंकि अभी हमारा प्लान जो डिसाइड हुआ वो ये हुआ कि हम लोग जाएंगे जहाँ पे, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस तरह के लफंटर बहुत होते हैं। ये जो अभी वाकया हुआ आपके सामने के, कैसे गाड़ी वाला ऊपर आ रहा है, कल ही लेटेस्ट हमने अपनी आंखों से वाकया देखा है कि एक गाड़ी वाले ने हिट किया बाइक वाले को और उसकी फिर टांग कट गई। तो ध्यान क्या करें, राइडिंग गियर्स पूरे पहना करें और राइडिंग शूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसने शूज और राइडिंग गियर पहने होते तो किसी हद तक उसका इम्पैक्ट बच सकता था। चले जो आज का प्रोग्राम है वो बता देता हूँ। आज का प्रोग्राम हमारा ये कि हमने देखने हैं चोलिस्तान के फोर्ट। चोलिस्तान में तकरीबन कोई 8 फोर्ट है जिन पे कार पे रसाई कर सकते हैं, बाकियों पे आर्मी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, आर्मी ने, गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब ये सीजन है, लोग यहाँ आए हुए होते हैं तो आपको
इस टाइम में फैसिलिटीज अच्छी मिल जाती हैं बाद इस बार आम दिनों के। और अब हम करेंगे थोड़ा सा डेजर्ट सफारी। अच्छा तेरे में ना एक आदत है, तू पाँव नीचे नहीं लगाता। वासिक पता क्या करता था, वासिक ना फौरन पाँव नीचे, मेरे पता मेरी पहुँचनी और उसकी पहुंच थी उसकी भी नहीं थी। ये देखना रेनोवेशन का काम जारी है, वो सारी है। इसके पीछे भी ऐसा साहब किसी की पेमेंट होगी। मेहरान फंसते हुए रेत में। आड़ू वैसे अब तो हमने हर तरह चला ली बाइक है ना। आड़ू यहाँ से देख तस्वीर आती है सही, वो वहां से लियो। इतनी एफर्ट कर रहे हैं सिर्फ एक तस्वीर के लिए, ये परफेक्ट है। ये तेरी तस्वीर नहीं आई, मैं सोच रहा हूँ तेरी भी आए। आड़ू यहाँ से देख मेरी बात सुन, कल की तरह बाइक खड़ी करता हूँ ऐसे, ठीक है? वहाँ से पहले तू मेरी ले, जैसे तू मैं कल बैठा हुआ नहीं था, तूने वहाँ पे ली थी, दो दरख्त आए थे पूरे। तूने ऊपर दरावर फोड़ की लाइन है ये, और नीचे बाइक का टायर सारा आना चाहिए। पकड़ना फ़ोन। बेस्ट तो सबसे यही है कि नमाज पढ़े निकले, मगरिब की नमाज पर रुक जाएं बस, असर तक आप अपना होटल करा लें या जहाँ भी कैम शैम लगा। रात नहीं रुके वहाँ। रहीम यार खान से तो बड़ा लंबा पड़ता होगा, क्योंकि रहीम यार खान है यहाँ से 194। अच्छा वो जामपुर वाला जहाँ पे वो गोट की, उसकी गोट का ही कह रहे, जतोई मस्जिद भी आती है वो आगे हो जाता है, वो रास्ता नहीं है, वो आगे हो जाता है, एक पहला रास्ता जाता है जहर पीर से। सही, जहर पीर से आगे आ जाता है। और चक्कर लगाएगा ना कब? सर जरूर सर, थैंक यू। अब मुलाकात ही आपने आज हमें हमसे की है, आपने टाइम ही नहीं दिया हमें। नहीं यार कल मैं स्पेशल आपके कैंप में आया था। किस टाइम? शाम को आपके पास आया था कैंप का। हमारा छोटे वाला कैंप था बीच वाले में। हाँ जी, जब हम शुगर लगा रहे थे वो पहले ही हम चार बंदे बैठे हुए थे। जब हम उस वक्त चार बैठे हुए थे। फ्लाइट गाइस अभी का सीन ऐसा है कि हम वापस अपने कैंप आ गए थे, अब यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स डिफरेंट फोर्ट्स। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स रियली नाइस हॉस्पिटैलिटी सर। इंशाल्लाह K2K में आपसे मुलाकात होगी। ऑलराइट जी, पूरा ग्रुप निकल चुका है। अभी तक मुझे नहीं पता कितने बाइकर्स जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, डिफरेंट बाइकर्स ग्रुप्स का ज्वाइन हो जाते हैं, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। लिटरली हैट्स ऑफ फैजान भाई, हमारा जो है वो ट्रिप को फुल वो करने के लिए, प्लान करने के लिए, और विदाउट एनी सिंगल पेनी। कुछ लोग होते हैं जो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, उनमें से फैजान काजमी है। अगर कोई फेसबुक पे इनसे रब्ता करना चाहे तो कर सकता है, ही इज़ सो नाइस। मैंने कहा से नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी बाइकर को अकेले भी निकलना है, इनके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और ये है प्योर रेगिस्तान। रेवड़ इस उसमें आप देखें, रेवड़ कैसे आ गया होगा, द ब्यूटी ऑफ डेजर्ट। All right guys, we are somewhere in between the desert, और हमें नहीं पता कहाँ आ गए, लोकेशन ऑफ है, नेट सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं है। और ये चोलिस्तान डेजर्ट का ही हिस्सा है, मगर मैंने ये चीज़ नहीं नोटिस की, जिस चीज़ की हाइप ज़्यादा होती है उससे हट कर उसके साइड एरिया ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो दिस इज़ लुक लाइक अ डेजर्ट, ना कि चोलिस्तान। चोलिस्तान तो एक प्ले ग्राउंड लग रहा था, मगर उसके लिए दरावर फोर्ट के लिए गए थे भाई, दरावर फोर्ट। और मैं लास्ट ईयर भी दरावर फोर्ट के अंदर नहीं जा सका था, इस दफ़ा भी नहीं जा सका, क्योंकि तो मेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरी गर्लफ्रेंड, वो मैनू कहती ना 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 रुकते जा, मेरी गल तो सुन ले, वो मैनू कहती। और ऊंट सफारी ना देखा तो क्या देखा, डेजर्ट का किंग, ये है डेजर्ट का किंग। ऑलराइट गाइस, मुझे लग रहा है कि हमें जिस फोर्ट पर आना था हम पहुंच चुके हैं। फैजान भाई ने उसके कान में कोई फूक फूका है, उन्होंने कहा हाँ जी आप सही जा रहे हैं, कोई दरबार लग रहा है। अभी बच्ची आते आते बच्ची है,
हम आए हैं चनन पीर दरबार पे, जो कि डेजर्ट के अंदर है। आज से 10 साल पहले यहाँ जो ट्रैक आया करता था, अब रोडें बन गई और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त रोड्स बन गए। तो द्रावड़ और इस रीजन के अंदर आए तो वो लाजमी, ये द्रावड़ से ऑलमोस्ट कोई एक घंटे की मुसाफत पे है, यजमान से जो है वो आधा घंटा तकरीबन ऑलमोस्ट 30-32 किलोमीटर के रेंज के अंदर है ये। तो आप लोग इधर आ सकते हैं, और जो भी लोग पीरी फकीरी को मानते हैं वो मनते मुरादें बड़ी पूरी होती हैं। ऑल राइट गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा कि हम ये आए हुए थे मज़ार पे। मज़ार की छोटी मोटी जो हिस्ट्री हमें मुतवलियों से पता चली वो ये है कि यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे वो एक हिंदू घराने में पैदा हुए और वो पैदाइशी तौर पे ही वली थे। 16 साल 10 दिन उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनको शहीद कर दिया गया था। तो वो बहुत लंबी स्टोरी बता रहे थे तो मैंने इसलिए कट द स्टोरी शॉर्ट। वो लोग कहाँ गए हैं? वो नहीं खड़ा हुआ। तो बस ये सीन था यहाँ का, कुछ अंदर खास था नहीं। रिकॉर्ड तो बहुत कुछ किया, अंदर कहाँ पड़ा हुआ है। उनके नहीं नक्शे कदम पे चले, नहीं तो वी विल लॉस द ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है। यहाँ पे हम अपने ट्रैक खुद छोड़ रहे हैं। ये लोग कहाँ गए हुए? इस वक्त हम ये यहाँ पे हैं और बीकानेर का ये बॉर्डर। कुछ नहीं हुआ, क्या होना ही कैमरा ऐसी चीज है बाबा, सब भाई हम फंसे कहीं नहीं है, ठीक है। मेरी नेविगेशन कभी गलत नहीं हो सकती।